अस कंटिन्यू विद कंसीडरेशन सबसे पहला एलिमेंट हमने डिस्कस कर लिया है ऑफर एक्सेप्टेंस अब कंसीडरेशन कर लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसीडरेशन कंसीडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न अगर आप कुछ दे रहे हो तो सामने से आपको भी कुछ मिलेगा लैटिन फ्रेज पता है आपको इसका यस इट इज क्विड प्रो क्यो? अगर आपने ये कहा तो सही जवाब है लॉ बोलता है कंसिडरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट एनी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड सही तो बोल रहे हैं अगर आपको कुछ मिलने वाला ही नहीं है तो किस चीज का केस करोगे नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2, क्लॉज डी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्या लिखता है वो वेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर प्रोमिसर के बोलने पर ही ये काम हो रहा है उसके रिक्वेस्ट पर हो रहा है प्रोमिस और एनी अदर पर्सन हैज आइडर डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग ओके या तो उसने कुछ नहीं किया है या कुछ कर दिया है और ही डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी थिंग और ही प्रोमिसज मतलब कुछ नहीं है वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो या तो वो मेरे बोलने पर वो कुछ कर रहा है या उसने कर दिया या वो करने वाला है ठीक है हैज डन पॉजिटिव एस्पेक्ट है एब्सटेन मतलब नॉट टू डू समथिंग ये नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कंसिड्रेशन है टू डू समथिंग मतलब कुछ पॉजिटिव एक्ट करना जैसे आई विल बाय माई आई विल सेल माई फ्लैट आई विल बाय योर राइस नॉट टू डू समथिंग नेगेटिव एस्पेक्ट मतलब आई विल नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट यू अगर आपने ये काम किया तो नॉट टू डू समथिंग दैट इज अगेटिव तो या तो आप कुछ कर चुके हो या करने वाले हो या आप कर रहे हो सब कुछ या नहीं कर रहे हो तो बहुत एस्पेक्ट्स आर कंसिडरेशन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं कंसिडरेशन मीन्स लॉस टू वन पार्टी गेन और बेनिफिट टू द अदर पार्टी अगर सपोज मान लो आपको ये बड़ी सी डेफिनेशन याद नहीं हो रही है कोई बात नहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप ये लिख सकते हो दैट कंसिडरेशन मीन्स लॉस टू वन पार्टी गेन और बेनिफिट टू दी अदर पार्टी लेट से दैट एक्स ऑफर्स टू सेल राइस टू वाई एंड वाई प्रोमिसज टू पे हिम टेन थाउजेंड रुपीज तो वो हंड्रेड बैग्स ऑफ राइस देने वाला है ठीक है वो भी मैं लिख देती हूँ हंड्रेड बैग्स ऑफ राइस देगा और वाई उसे टेन थाउजेंड देगा अब यहाँ पर एक्स के लिए कंसीड्रेशन क्या है बताओ वॉट इज द कंसिडरेशन फॉर एक्स टेन थाउजेंड दिस टेन थाउजेंड इज लॉस टू वाई बट इट इज गेन टू एक्स टेन तो थाउजेंड जो कंसिडरेशन है वो लॉस टू वाई है पर गेन टू एक्स है अच्छा वाई के लिए क्या कंसीडरेशन है बताओ वाई के लिए कंसिड्रेशन है राइस ये राइस वाई के लिए गेन है लेकिन वही राइस एक्स के लिए लॉस है तो आपको दो दो पार्टीज है तो दो कंसीडरेशन होंगी तो दो कंसिडरेशन है तो अलग अलग एनालाइज करोगे एक्स के लिए कंसीडरेशन क्या है मनी ये जो मनी है उसके लिए गेन है लेकिन वाई के लिए लॉस है वाई के लिए क्या कंसीडरेशन है राइस जो उसके लिए गेन है एक्स के लिए लॉस है अगर मुझे एलिमेंट्स करने हैं तो सबसे पहला एलिमेंट ऑफ वैलिड कंसीडरेशन क्या होगा ओके एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कंसीडरेशन कंसीडरेशन मस्ट 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 मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर मस्ट के साथ हमेशा प्रोमिसर आएगा डिजायर का मतलब क्या है आप लिखोगे डिजायर मींस विश मर्जी बोलते हैं ना यस yes. डिजायर विश मेरे बोलने पर वो पार्टी ये काम कर रही है सो कंसिड्रेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिस तो अब एक्स ने ही वाई से कहा क्या तुम राइस खरीदोगे टेन थाउजेंड में दे रहा हूं हंड्रेड बैग्स तो एक्स के बोलने पर ही वाई या, या ना कहेगा ना कि ठीक है चल दे दे या बोलेगा नहीं चाहिए सो कंसिडरेशन मूव एट द डिजायर ऑफ एक्स एक्स ही वो ऑफर लेकर आया था बट इट मे बी सप्लाइड आइदर बाय द प्रोमिस और एनी अदर पर्सन तो मे वर्ड हमेशा प्रोमिस या फिर अदर पर्सन से आएगा। वही सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं अब यहाँ पर एक्स ने वाई को ऑफर दिया कि क्या तुम राइस खरीदोगे तो उसके डिजायर पे ये गया। अब वाई पैसे दे या वाई के बिहाफ पे कोई और पैसे दे एक्स को क्या फर्क पड़ता है उसको तो पैसे से मतलब है सो कंसीडरेशन में मूव Either from द promisee और एनी अदर पर्सन लाइक his एजेंट also ये मैं एक example लिख देती हूँ यहाँ पर इधर हमने एक बहुत ही important केस लॉ पढ़ा था चिन्नया versus रमाया चलो वो भी रिवाइज कर लेते क्विकली हम रिवाइज करेंगे मैं यहाँ पर उसके फैक्ट्स लिख देती हूँ इधर ही जगह है उधर ही लिख लेंगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ सुन लो ए एंड ओल्ड लेडी Transferred property to the daughter R Ramaya on the condition that every year R should pay annuity to A's sister C Chinaya. R ne ग्री kar liya promise कर लिया, एक deed भी बना ली उसने, वो भी writing में, ठीक है deed बना ली in writing. पहले तो प्रॉमिस किया फिर देने से मना कर दिया बोलते मुझे तो सी से कुछ भी नहीं मिलता लॉ बोलता है तुमने प्रॉमिस किया था ना इट हैज मूव्ड एट योर रिक्वेस्ट अब तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि वो कंसीडरेशन कौन दे वो कंसीडरेशन तुम्हें या तो सी से खुद मिले या ए से पहले मिल गया है मिला तो है ना सो so, कंसीडरेशन

हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेंजर टू कंसीड्रेशन उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी वो वीडियो जरूर जाके जा देखना क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे आके पूछते हैं मैम स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट और कंसीड्रेशन में फ़र्क कैसे करें? तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है वहां पर फिर से ये केस लॉ का मैंशन है प्लीज जाके देखना यहां पर सी इज स्ट्रेंजर टू कंसीड्रेशन कैसे देखो ए ने अपनी डॉटर आर को प्रॉपर्टी दी मतलब जो कंसीडरेशन है वो एक्चुअली ए और आर के बीच में है ना लेकिन उसका बेनिफिट किसी थर्ड पर्सन सी को मिलता है बैठे बैठे नहीं मिल रहा आर ने एग्री किया था डीड लिखी थी इसीलिए मिल रहा है तो सी इज स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन। डीड नहीं होती देन सी वुड हैव बीन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट ये सब मैंने वो वीडियो में एक्सप्लेन किया है आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कंसीडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू सम वैल्यू मतलब देखो कंसीडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न ना कुछ भी हो सकता है वैल्यू मे सीम ये आप लिखोगे ये आपको लिखना है एग्जाम में मे सीम एडिक्वेट और मे सीम इन एडिकुएट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी कोई भी प्राइस पे सेल कर दे उसकी उसके गुड्स है उसकी मर्जी तो इनएडिक्वेसी के वजह से कंसिडरेशन वॉइड नहीं होगा तो फिर ये इनएडिक्वेसी कब कंसिडर होगा ओनली टू शो ओनली टू शो वेदर कंसेंट वॉज फ्री और नॉट बस तभी हम यूज करेंगे जब मुझे दिखाना होगा कि कंसीडरेशन फ्री है नहीं है बस तभी यूज करेंगे अदरवाइज नहीं तो लॉ बोलते जब आपको दिखाना है कि कंसेंट फ्री है नहीं है तभी आप एडिक्वेसी देखोगे वरना नहीं कंसीडरेशन रियल होना चाहिए एक्चुअल होना चाहिए इल्यूजरी मतलब इमेजिनरी नहीं होना चाहिए <coughs> रियल होना चाहिए एक्चुअल मत जैसे एक्स ने वाई से कहा क्या तुम तो मेरी कार खरीदोगे एक्स ने वाई से कहा क्या तुम तो मेरा हाउस खरीदोगे ये रियल है एक्चुअल है इमेजिनरी इल्यूजरी क्या होता है एक्स बोलता है तुम मेरे लिए ग्रास कट करो आई विल गिव यू सम रीजनेबल रेम्यूनरेशन जो मुझे ठीक लगता है मैं दे दूंगा कितना अब देखो देखने पे तो लगता है ना कि कंसीडरेशन है उसे रीजनेबल पैसा मिलेगा अरे बट क्या वो डेफिनेट है फिक्स्ड है नहीं इट ओनली लुक्स लाइक कंसीडरेशन बट इट इज नॉट रियल कंसीडरेशन ये वैलिड नहीं होगा आई विल पे इफ आई फील लाइक ऐसे थोड़ी ना होता है रियल होना चाहिए एक्चुअल कंसीडरेशन होना चाहिए कंसीडरेशन पास्ट हो सकता है प्रेजेंट हो सकता है फ्यूचर भी हो सकता है पास्ट कंसिडरेशन मतलब आई हैव रिसिव दिस की वर्ड क्या है पता बिफोर ठीक है मुझे कभी मिला है कंसिडरेशन इवन बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में लिखना है आपको जो कंसिडरेशन आपको कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही मिल गया था उसे बोलते हैं पास्ट कंसीडरेशन प्रेजेंट मतलब मुझे वो मिल रहा है आप की वर्ड लिखोगे एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ के बदले आप अच्छा बेटर वर्ड अगर लिखना चाहते हो तो साइमल्टेनियस भी लिख सकते हो साइमल्टेनियसली एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन मिलता है मुझे फ्यूचर कंसिडरेशन मतलब आई एम गोइंग टू रिसीव इट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अब आप बोलोगे मैम एक एग्जाम्पल करवा दो ना इसका पास्ट कंसीडरेशन क्या होता है ए ने वाई से कहा सॉरी ए ने बी से कहा क्या तुम मेरे बेटे का ध्यान रखोगे प्लीज़ मुझे ना पंद्रह दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा चार पांच घंटे रोज़ बी ने कहा ठीक है डोंट वरी बी ने इतना अच्छा ख्याल रखा उसके बेटे का कि ए ने कहा कि भाई मैं तुम्हारे सर्विसेज के लिए तो उसका मोल नहीं लगा सकती लेकिन प्लीज़ आपने जो भी खर्चा किया है पांच हज़ार रुपये आपके मुझे पता है खर्च हो गए वो तो रख लो तो यहां पर ए के बोलने पर ए के रिक्वेस्ट पे बी ने उसके बेटे का ध्यान रखा फिर बाद में जब ए बी को बोलते आई विल गिव यू फाइव थाउजेंड दैट इज नाशन ए को क्या मिलता है वो फाइव थाउजेंड दे रहा है तो कुछ भी नहीं अभी नहीं लेकिन पहले तो मिल गया था ना उसके बेटे का ख्याल रखा था बी को यहां पर मिलते हैं फाइव थाउजेंड प्रेजेंट कंसिडरेशन मतलब जैसे यहां पर ने बी को गुड्स दिए बी ने पैसे दे दिए फ्यूचर मैं तुम्हें गुड्स दूंगी ठीक है मैं भी पैसे बाद में ही दूंगी जब तुम गुड्स दोगे तभी पैसे दूंगी दोनों को कंसिड्रेशन बाद में मिलेगा फ्यूचर कंसिडरेशन कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग विच द इज ऑलरेडी बाउंड टू डू अब यहां पर हमने पुलिस का एग्जाम्पल लिया था कि अगर आपने पुलिस को चीजें ढूंढने के पैसे दे दिए तो वो कंसिड्रेशन नहीं क्योंकि उसकी ऑलरेडी ऑब्लिगेशन है टू फाइंड द गुड्स मैंने आपको लॉयर का एग्जाम्पल दिया था ये लॉयर का काम क्या है केस जीतना ही है ना आप बोलोगे तुम केस जीतोगे मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा अरे वो एक्स्ट्रा का कोई फायदा है नहीं उसका काम है जीतना तो अगर आप प्रोमिसर को कुछ एक्स्ट्रा देने की कर रहे हो अरे उसका काम है वो करना उसको उसके लिए क्यों एक्स्ट्रा कंसिडरेशन नॉट वैलिड कंसिडरेशन तो आप यहां पर लिख दो इफ द प्रोम इज ऑलरेडी बाउंड टू डू दैट एक्ट तो इसके लिए अगर मैंने कंसिडरेशन दे दिया देन दैट इज नॉट वैलिड कंसीडरेशन वो वैलिड नहीं होगा कंसीडरेशन मस्ट नॉट बी इीगल इमोरल अपोज पब्लिक पॉलिसी इलीगल मतलब illegal का मतलब है फॉरबिडन by लॉ फॉरबिडन नहीं होना चाहिए एग्जाम्पल ले लो आप ड्रग्स किलिंग कुछ भी ले सकते हो कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी इमोरल क्या होता है इमोरल मीन्स इट इज अगेंस्ट अवर वैल्यूज जैसे प्रोस्टिट्यूट प्रोस्टिट्यूट का एग्जाम्पल क्यों लिया है मैंने यहाँ पर क्योंकि आपने घर दे दिया प्रोस्टिट्यूट को रेंट पे ज्वेलरी दे दी वो पैसे नहीं देती नोइंगली दिया है आपने तो कुछ भी रिकवर नहीं कर सकती क्योंकि वो इमोरल कंसिडरेशन है अपोज टू तो पब्लिक पॉलिसी का मतलब है अपोज टू सोसाइटी लाइक से फॉर एग्जाम्पल स्मगलिंग ठीक है यहां पे स्मगलिंग लिख लो इट इज अगेंस्ट द सोसाइटी कोई भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का आप एग्जाम्पल ले लो वो कंसीडरेशन वॉइड है जैसे ब्राइब देना सब वॉइड कंसिडरेशन है ब्राइब लिख लो यहां पर ब्राइब ठीक है अब मैं आपको दिखा देती हूं अगर आपका कुछ मिस आउट हो गया है तो वो आप लिख सकते हो डन ओके ये देख लो ठीक है ये सारे हमारे लास्ट मिनट रिविजन नोट्स बन रहे हैं ओके okay? यस yes, चलो ये थे असेंशियल एलिमेंट्स अब सबसे इंपॉर्टेंट और हमारा फेवरेट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट सूट बाय थर्ड पार्टी मींस स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट सू क्या लिखोगे आप आप बोलोगे नो स्ट्रेंजर टू कैन कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू ये स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू वही तो लिखा है हमने यहाँ पर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू अब स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है कैसे पता लगेगा मुझे कि वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है या कंस्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था ना मैंने सेपरेट वीडियो किया है ए ने बी को गुड्स दिए बी पैसे नहीं दे रहा तो सिर्फ और सिर्फ ए ही बी पर केस कर सकता है ए का एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है सी वो ये नहीं बोल सकता कि अरे मैं तो फ्री बैठा रहता हूं मैं ही केस कर देता हूं तुम्हारा क्या लेना देना है केस में यू आर अट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा क्या केस केस से क्या लेना देना है बोलो तुम तो एक स्ट्रेंजर हो सी का ना ए के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है ना उसका बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो तो टोटल स्ट्रेंजर है स्ट्रेंजर डजेंट मीन हम उसको जानते नहीं स्ट्रेंजर मीन्स थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर केस नहीं कर सकता स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट बट स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन कैन सू यहां पर तो हम हमेशा चिन्या वर्सेज रमैया का ही एग्जाम्पल लेते हैं ए एन ओ लेडी गिफ्टेड प्रॉपर्टी टू आर ऑन द कंडीशन दैट आर शुड पे मनी टू सी आर ने एक डीड बना दी राइटिंग में बाद में आर ने देने से मना कर दिया सी ने केस किया लॉ बोलता है आर तुम्हें हम मानते हैं यहां पर सी से कुछ भी नहीं मिलता तुम तो उसे पैसा दे रहे हो ना एन्य सी से कुछ भी नहीं मिलता अरे लेकिन तुम्हें ए से तो कंसीडरेशन मिल गया है ना लॉ क्या बोलता है कंसीडरेशन में मूव आइदर फ्रॉम द प्रोमिस और एनी अदर पर्सन मिल रहा है ना तुम्हें सी से नहीं ए से तो ये स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन है कंसीडरेशन तो मूव हो रहा है कंसीडरेशन मूव हो रहा है ए और आर के बीच में लेकिन उसका बेनिफिट किसी थर्ड पर्सन सी को मिलता है सी ए स्ट्रेंजर और ऐसे ही नहीं बना है वो स्ट्रेंजर डीड है उनके बीच में इसीलिए वो स्ट्रेंजर है अगर ये डीड है तो वो स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन है अगर ये डीड नहीं है सी तो सिर्फ एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट और वो केस में सी केस फाइल ही नहीं कर सकता ही वुड है केस एक्सेप्शन दैट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू मतलब ये ऐसे केसेस हैं जहां पर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन सु कैन सुन केस ऑफ अ ट्रस्ट तो की वर्ड क्या है जो आप यहां पर लिखोगे इन केस ऑफ ट्रस्ट आप लिखोगे बेनिफिशियरी ये वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है देखो लॉ में अगर लीगल वर्ड्स लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे ना बेनिफिशियरी कैन सू अब ट्रस्ट ए और बी में क्रिएट हुआ था ठीक है इनके बीच में ट्रस्ट क्रिएट हुआ था किसके बेनिफिट के लिए सी के बेनिफिट के लिए बेनिफिशियरी कैन सू इवन दो ही इज नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए तो ट्रस्ट क्रिएट हुआ था अब आप बोलोगे मैम आपने क्या ऊपर बताया था कि सी का ना ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना बी इसीलिए वो केस नहीं कर सकता यहां पर भी तो सी का ना ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना बी के साथ फिर कैसे केस कर सकता है अरे ये एक्सेप्शन है ना आपको एग्जाम में कैसे पता लगेगा देखो ट्रस्ट वर्ड दिया है ट्रस्टी वर्ड दिया है बेनिफिशियरी दिया तो हिंट है कि ट्रस्ट की बात करें ये एक्सेप्शन है नहीं दिया आपको ऐसा कोई हिंट ट्रस्टी बेनिफिशियरी वर्ड्स नहीं दिए तो स्ट्रेंजर टू तो कॉन्ट्रैक्ट है भाई हम वही लिखेंगे फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो अजम्पशन लिखो इट्स वेरी मच एक्सेप्टेड इन द एग्जाम फैमिली सेटलमेंट में ए और बी ने कहा कि हम हमारी मदर के लिए ठीक है हम हमारे मदर के लिए थोड़ा सा पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टीशन हो गई सेटलमेंट हो गया दोनों कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे मदर इवन दो शी इज अ स्ट्रेंजर शी कैन सू बिकॉज शी इज द बेनिफिशरी देखो यहां पर ट्रस्ट क्रिएट नहीं हुआ है ये फैमिली सेटलमेंट का मैटर है तो एग्जाम में आपको फैमिली सेटलमेंट ऐसे वर्ड्स दिए जाएंगे वो हिंट है कि ये एक्सेप्शन है तो हमें ट्रस्ट फैमिली सेटलमेंट्स ये सब वर्ड्स याद करके जाने हैं तभी हमें हिंट मिलेगा कि ये तो एक्सेप्शन की बात हो रही है इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ये हिंट है अब देखो जॉइंट हिंदू फैमिली में पार्टीशन हो रही है वैसे तो सारे मेल मेंबर्स को ही राइट्स मिलते फीमेल्स को तो एज सच राइट्स नहीं है लेकिन अगर मैंने किसी फीमेल के मैरिज के लिए पैसा रखा था इवन दो शी इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट तो मेल मेंबर्स के बीच में हो रहा है कि चलो पैसा डिवाइड कर लो अपनी अपनी फैमिलीज के लिए फीमेल मेंबर्स स्ट्रेंजर है फिर भी वो केस कर सकती क्योंकि उसके फायदे के लिए तो उसी की शादी के लिए पैसा था ना शी सू असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले तो हम असाइनमेंट का मीनिंग लिखेंगे असाइनमेंट मीन्स टू ट्रांसफर शॉर्ट में लिखना है टू ट्रांसफर यहां पर हमने हम क्या ट्रांसफर करेंगे वो भी बताओ टू ट्रांसफर बेनिफिट्स ठीक है तो हम जिसके फेवर में बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं उसे बोलते हैं असाइनी असाइनी कैन सू तो आपके एग्जाम में आपका कीवर्ड क्या होगा असाइनी कैन सू ठीक है ऊपर में हम बेनिफिशरी 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 वर्ड पढ़ते आए हैं यहां पर हम बोलेंगे असाइनी कैंसू ठीक है एस्टॉपल बाय एक्नोलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी और पार्ट परफॉर्मेंस देर ऑफ हम एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं केस हो सकता है लाइक से फॉर एग्जांपल ए ने बी से कहा बी सुन जरा सी को पैसे दे आएगा क्या बी बोलता है ठीक है बी ने सी को एक्नोलेजमेंट दे दी अरे सुनो सी तुम्हारे पैसे ना मेरे पास पड़े हैं तुम जब घर पे आ जाओगे मुझे बता देना मैं ले आऊंगा हम जिसे एक्नोलेजमेंट देते हैं हम उसके एजेंट बन जाते हैं अगर बी पैसे नहीं देता तो सी केस कर सकता है क्योंकि हम हमारे एजेंट के अगेंस्ट केस कर सकते हैं तो अगर स्ट्रेंजर केस कर सकता है स्ट्रेंजर पे केस हो सकता है दोनों वेज होंगे ना तो हम जैसे ही एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं हम एजेंट बन जाते हैं इसीलिए केस कर पाएंगे तो सी कैन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेंजर कैन क्योंकि वो अपने एजेंट के अगेंस्ट तो केस कर ही सकता है ना कोविनेंट का मीनिंग क्या होता है कोविनेंट रनिंग तो हमारा की वर्ड यहां पर क्या होगा आपको आंसर में क्या हिंट होगी कोविनेंट तो देखो मैंने जो हाईलाइट किया है ना वो हमारे की वर्ड है ये हिंट है कि वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन है ट्रस्ट बोलो मेरे साथ ट्रस्ट फैमिली सेटलमेंट मैरिज कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट एस्टोपल ठीक है मैं असाइनमेंट वर्ड भी और असाइनमेंट में असाइनी ही एक्नॉलेजमेंट हम जिससे एक्नॉलेजमेंट देते हैं हम उसके एजेंट बन जाते हैं वो स्ट्रेंजर हम पे केस कर सकता है कोविनेंट रनिंग विद एंड कोविनेंट का मीनिंग क्या होता है बताओ कोविनेंट मीन्स कंडीशंस अटैच टू द यूज ऑफ लैंड लैंड कैसे यूज होना चाहिए कंडीशंस अटैच टू द यूज ऑफ लैंड इट इज बाइंडिंग ऑन आप लिखोगे इट इज बाइंडिंग ऑन करंट प्लस फ्यूचर ओनर्स ये आपका हिंट है लैंड कैसे यूज होना चाहिए उसके बारे में ए और बी ने एग्रीमेंट किया कि एग्रीकल्चर के लिए यूज करेंगे या इधर मॉल बनाएंगे कुछ भी करेंगे ये जो कंडीशन है वो लैंड के साथ ही चलती हैं। दे बाइंड द करंट एज वेल एज फ्यूचर ओनर्स अब कोविनेट क्रिएट करंट ओनर्स ने किया है लेकिन फ्यूचर ओनर जो स्ट्रेंजर है वो भी केस कर सकते है। अगर सपोज मान लो बी ने कोविन फॉलो नहीं किया तो फ्यूचर ओनर लाइक ए ने लैंड बेच दिया ठीक है ए ने अपना लैंड बेच दिया तो जो फ्यूचर ओनर है वो भी बी पे केस कर सकता है कि भाई तुमने कोविनंट क्रिएट किया था फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो ये जो कोविनंट है ये करंट फ्यूचर दोनों पे अप्लाई करता है ये मैंने जो सेपरेट वीडियो किया था ना वहां पर मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया उधर देख लेना यहां पर हम नोट्स बना रहे हैं हम रिविजन कर रहे हैं तो ए ने अगर अपना लैंड बी को बेच भी दिया सी को बेचा तो सी भी केस कर सकता है बिकॉज लैंड तो कंडीशंस के साथ ही आता है कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट तो एजेंट आपका हिंट है यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में है प्रिंसिपल ये तो स्ट्रेंजर है अरे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एजेंट किसके लिए करता है प्रिंसिपल के लिए करता है ना प्रिंसिपल इवन दो ही स्ट्रेंजर प्रिंसिपल कैन सु कॉन्ट्रैक्ट भले ही एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बना तो प्रिंसिपल के लिए वो स्ट्रेंजर है फिर भी केस कर सकते एक्सेप्शन है, है ये तो स्टूडेंट्स एक्सेप्शन में हमने क्या पढ़ा बोलो मेरे साथ में ट्रस्ट बोलते रहो ट्रस्ट बोलो ट्रस्ट फैमिली सेटलमेंट मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, असाइनमेंट एक्नोलेजमेंट कोविनेट एजेंट बोलते रहो कैसे कैसे याद करोगे बोलो याद करो मेरे साथ ट्रस्ट फैमिली सेटलमेंट मैरिज असाइनमेंट अकनोलेजमेंट कोविनेंट, एजेंट ऐसे वर्ड्स बार बार बोलते रहो आजू बाजू का सेंटेंस तो आप एग्जाम में बना ही लोगे लास्ट पार्ट नो कंसीडरेशन नो no कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हमने पढ़ा है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट आप सेक्शन नंबर भी लिख सकते हो यहां पर सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव कौन सा सेक्शन लिखेंगे सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव यस सो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट ये हमने पढ़ा है लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है ऐसे कौन से केसेस है जहां पर अगर कंसीड्रेशन नहीं भी होगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है नहीं मतलब दोनों पार्टीज के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है एक ही को कंसिडरेशन मिलेगा अच्छा ये साथ साथ में कंपेयर करते रहना आपने लिखा है कि नहीं तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो सबसे पहला है बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन हिंट क्या है कीवर्ड क्या है कैसे याद रखेंगे नेचुरल लव एंड अफेक्शन हस्बैंड ने नैचुरल लव एंड अफेक्शन से अपने वाइफ को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हर महीने दस हजार रुपए दूंगा आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन अब हस्बैंड तो दे रहे वाइफ के लिए तो कंसीडरेशन है हस्बैंड को तो कुछ भी नहीं मिलता लॉ बोलता है अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो हस्बैंड तुम्हें कुछ नहीं भी मिलता तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कौन से है वो कंडीशन सबसे पहला कंडीशन है दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन ठीक है दूसरा है कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए अरे ओरल से कुछ नहीं होगा लिख के दो तभी प्रूफ मिलेगा ना हमें और देखो वैसे तो ये डोमेस्टिक हो गया राइटिंग में जब ले आओगे एनफोर्सिबिलिटी आ जाएगी ना फिर इसे मुझे रजिस्टर भी करना है ये रजिस्टर्ड है मतलब देखो मैंने कितना उसे लीगल बनाया है एंड इट इज बिटवीन पार्टीज़ लिखो इन नियर रिलेशन नियर रिलेशन मतलब हस्बैंड वाइफ ब्लड रिलेशन यस नियर रिलेशन मतलब क्या होता है हस्बैंड वाइफ या फिर ब्लड रिलेशन तो अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो ही एक्सेप्शन आएगा एक भी मिसिंग होगी ना तो एक्सेप्शन नहीं है सब होने चाहिए ये सब क्यूमुलेटिव है तो एरो ब्रेस ब्रैकेट बना दिए क्यूमुलेटिव है ये सब होने चाहिए बेस्ड ऑन सॉरी कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेस ये पास्ट कंसीडरेशन से अलग है पास्ट कंसीडरेशन में प्रॉमिसर के बोलने पे हमने काम किया यहाँ पे प्रॉमिसर खुद ही काम कर रहा तो फिर बाद में हम प्रॉमिस करते हैं ठीक है हम तुम्हें पैसे देंगे तो ये अलग है ये पास्ट कंसीडरेशन से अलग है तो ए ने बी के लिए कुछ वॉलेंटरीली किया था बाद में बी बोलते है, चल मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा अब ने तो वॉलेंटरीली किया था ना फिर भी बोलता है मैं पैसे दूंगा कंडीशंस क्या है यहां पर सेटिस्फाई होने की वॉट आर द कंडीशंस टू बी द पार्टीज पार्टी मस्ट हैव हैव डन मस्ट एक्टेड एक्टेड बेटर यूज करो है ठीक है पार्टी ने वॉलेंटरीली कुछ किया था फिर दूसरी कंडीशन क्या है प्रोमिस मस्ट हैव या प्रोमिसर लिख लो क्योंकि अभी वो प्रोमिस कर रहा है ठीक है तो वो वैसे लिख लेते हैं पार्टी मस्ट हैव गेन्ड बेनिफिट उसे फायदा हुआ ना फिर तीसरी कंडीशन है देयर मस्ट बी इंटेंशन टू कॉम्पेंसेट एंड द लास्ट कंडीशन इज दैट प्रोमिस मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट जब वो प्रोमिस कर रहा था जब उसके लिए काम हो रहा था ही मस्ट भी इन एक्जिस्टेंस ही मस्ट है बेनिफिट तो यहां पर प्रॉपार्टी लिखो प्रोमिसर लिखो बात एक ही है क्योंकि जो प्रामिस कर रहा है पैसे देने का ठीक है तो सामने वाली पार्टी ने वॉलेंटरीली आपके लिए कुछ किया है आपको उसका बेनिफिट मिला आपको अभी कॉम्पेंसेट करना है एंड आपने वो बेनिफिट इंजॉय किया यू आर इन एक्जिस्टेंस स्टूडेंट्स ये लिख लो पहले आप फिर आगे बढ़ते हैं देख लो जो कुछ मिस हुआ है लिख लो ठीक है हो गया ना लिख के प्रोमिस टू पे अ टाइम बार डेट टाइम बार डेट मतलब तीन साल हो गए और प्रोमिसर ने केस ही नहीं किया ओके okay? मैं पार्टीज का ही नाम ले लेती हूँ वो बेटर रहता है हमेशा अंडरस्टैंड करने में ए ने बी को दस हजार रुपए दिए थे बिना लौटाए ही नहीं तीन साल बीत गए अब तक ए ने केस ही नहीं किया अब तो नहीं कर सकते तीन साल के बाद नहीं कर सकते ये तो टाइम बाढ़ हो गया है फिर थोड़े सालों के बाद बी सामने से आ रहा है बोलते हैं मैं तुम्हें पैसे दूंगा क्या बात है अब अगर बी प्रॉमिस करता है मैं वो पैसे तुम्हें देने को तैयार हूं ए को तो कंसीडरेशन मिलता है लेकिन बी को तो कुछ नहीं मिल रहा ना लॉ बोलता है कोई बात नहीं वैसे ही टाइम बाढ़ है बेचारा ए लीगली तो रिकवर नहीं कर पाएगा इट्स ओके इफ द प्रोमिस इज इन राइटिंग ठीक है बी राइटिंग में लिख के देता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा इट इज साइंड बाय बी और साइंस बाय द प्रोमेसर और हिज एजेंट बी कौन है यहां पर प्रोमेसर है एंड इट रिलेट्स ठीक है रिलेट्स वर्ड अच्छा लगता है वो याद करके जाओ रिलेट्स टू अ टाइम बाड डेट तीन कंडीशंस क्या है बताओ एक तो बी ने प्रॉमिस राइटिंग में करना चाहिए आपने एक बात नोटिस की जहाँ पर भी कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है सब कुछ हम राइटिंग में करवा रहे हैं ताकि कल को पार्टी ये ना बोले कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं साइन होना चाहिए रिलेट्स टू अर टाइम बाड डेट तब जाके ये वैलिड होगा तो आपके जो ये हम पॉइंट्स लिख रहे हैं ना ये आपके रिविजन पॉइंट आपको ये याद करने हैं एजेंसी ठीक है नो कंसीडरेशन इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन एजेंट एजेंट अपॉइंट करने के लिए आपको कंसिड्रेशन की जरूरत नहीं है कंप्लीटेड गिफ्ट भाई आप गिफ्ट दे रहे हो रिटर्न गिफ्ट थोड़ी ना मांगोगे हम मांगते हैं वो अलग बात है लेकिन मांग नहीं सकते अगर गिफ्ट कंप्लीटेड है मतलब मैंने दे दिया Law बोलते अभी दे दिया तो तुम सामने से थोड़ी ना कुछ मांगोगे कंप्लीटेड गिफ्ट रिक्वायर्स नो कंसीडरेशन आपने दिया कुछ नहीं मिला कोई बात नहीं लेकिन सिर्फ प्रॉमिस किया आई विल गिव ये तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं प्रॉमिस किया दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि ना आपने कुछ दिया ना आपको सामने से कुछ मिला तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बेलमेंट अरे बेलमेंट का मतलब क्या होता है बेलमेंट मीन्स टू डेलीवर ओ हम कीवर्ड्स हाईलाइट कर रहे थे ना वो तो मैंने हाईलाइट नहीं किया आपके लिए ये सारे की वर्ड हैं एक्चुअली की वर्ड जो हमें याद रखने क्या याद रखने हैं नेचुरल लव इन अफेक्शन फिर आएगा पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज टाइम डेट एजेंसी कंप्लीटेड गिफ्ट अब हम बेलमेंट तक आ गए बेलमेंट मीन्स टू डिलीवर अब ए ने बी को गुड्स दिए भाई तू संभाल के रख इन्हें तीन महीने के बाद मैं इन्हें वापस ले जाऊंगा जो गुड्स देता है उसे हम बोलते हैं बेलर जिसे गुड्स दिए हैं उसे बोलते हैं बेली अब यहां पर दोनों फ्रेंड्स हैं तो ए तो पूछ है तू कितने पैसे लेगा बेली बोलता है तू मेरा दोस्त है कुछ भी मत दे तो लॉ बोलते कोई बात नहीं वो तुम्हारे गुड्स का ख्याल रख रहा है बेली है नहीं लेता कंसीडरेशन इट्स ओके इट्स ओके फिर टाइम तीन महीने खत्म हो जाएंगे ना उसने ख्याल रख लिया तीन महीने के बाद वो गुड्स आपको वापस दे देगा इस अरेंजमेंट को बेलमेंट बोलते हैं बेली को अगर कंसीडरेशन नहीं भी मिलता है दोस्ती खातिर में वो कर रहा है कोई बात नहीं कंसीडरेशन नहीं भी मिलता है फिर भी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ठीक है फिर भी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है चैरिटी चैरिटी और गिफ्ट दोनों सेम चलते हैं मैंने एक फ्लड विक्टम को चैरिटी में पैसे दे दिए अब दे दिए ना तोड़ना उससे कुछ मांगोगे तो चैरिटी कंप्लीटेड है ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है इवन दो आपको कुछ नहीं मिलता वैलिड है सिर्फ प्रॉमिस किया है मैंने सिर्फ प्रॉमिस किया है सो दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्यों सिर्फ प्रॉमिस किया ना ना आपने कुछ दिया है ना आपको रिटर्न में कुछ मिला है यस yes? तो स्टूडेंट्स ये था कंसीडरेशन के बारे में मैंने आपका पूरा कंसीडरेशन का चैप्टर रिवाइज करवा दिया है देख लो कुछ मिस तो नहीं हो गया आपका लिखने में आपने सब लिख लिया है ना चेक कर लो एक बार ठीक है सब लिख लिया ना क्योंकि नेक्स्ट हम शुरुआत करने वाले हैं अदर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट